नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एकदम जो पके हुए केले होते हैं, जिसके छिलके काले होते हैं, उससे मजेदार फलाहारी केले की सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, दिखने में केले ऐसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पके हुए और छिलका उसका इतना काला हो जाता है, लेकिन इस तरह से अगर हम उसकी सब्जी बना लें तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बस छिलका हटा के आप ये देख लें कि केला अंदर से ठीक है। देखिए, पास से भी दिखाती हूँ। ये फलाहारी सब्जी हमने बनाई है, तो कुछ भी मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर आप इसे बगैर फलाहार के भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा टमाटर और अपने पसंद के मसाले डालकर उसे बना सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जैसे कि फलाहार में हम साबूदाने की खिचड़ी, बड़े और राजगीरा, सिंघाड़ा, किसी के भी आटे की हम पूरी, पराठा, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके साथ इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। खट्टे मीठी चटपटी मज़ेदार ये सब्जी बनकर तैयार होती है और खाने में सबको बहुत पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो आइए, बगैर देर किए जल्दी से इस मज़ेदार सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार हम केले खरीद तो लेते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो रखे रखे इस तरह से उसका छिलका बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। इससे भी डार्क हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। आज मैं इसकी फलाहारी सब्जी बनाऊंगी। 2 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो सबसे पहले इसका हम छिलका हटा के और इसके गोल गोल पीसेस कट करके रख लेते हैं। दोनों केले के छिलके हटा के मैंने उसे इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। फ्रेंड्स, छिलका ऊपर से इतना काला था लेकिन अंदर से जो केला है उसे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया निकला। अगर आपका केला थोड़ा सा डार्क निकले, अंदर से थोड़ा सा कुछ खराब निकले, तो चाकू से उसे हल्का सा स्क्रेच कर दें। गैस पर मैंने इसका छोक लगाने के लिए कढ़ाई भी रख दी है। फ्रेंड्स, मैं इसे फलाहार के लिए बना रही हूँ, तो आधा चम्मच में इसमें घी डाल देती हूँ। अगर आप वैसे ही बनाने वाले हैं मसाला डालकर, टमाटर और जो भी मसाले आप पसंद करें सिंपल वे में, तो आप उसको तेल से बघार सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ही घी लगेगा तो मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया। घी अच्छे से पिघल गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने एक हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके रखा है, उसे भी डाल देंगे। मैं फलाहार में ये सारी चीजें खाती हूँ इसलिए डाल रही हूँ, आप जो चीजें न खाएं उसे न डालें। और 2 हरी मिर्च को मैंने थोड़ा बड़ा सा कट करके रखा है कि कभी जिस किसी को मिर्च न खाने का मन हो तो ये बड़े पीसेस हटा सकते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर ही। 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। हरी मिर्च की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है क्योंकि वो घी में भूनी है हमने। अब इसी के साथ में 1/3 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच ही मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी हम 20 सेकंड के लिए घी में भून लेंगे। मिर्च भी भून गई है। अब इसमें फ्रेंड्स में आधी कटोरी के करीब पानी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई पे कर दिया है। मैं सब्जी को लटपटी सी ही बनाऊंगी, बिल्कुल हल्की सी रसे वाली, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब इसमें 1/3 चम्मच में सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हो तो प्लेन नमक भी डाल सकते हैं। और 1/3 चम्मच ही मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ये मैंने घर पर भी तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, फलाहार के लिए आप जो भी मसाले खाते हो आप उसी का ही इस्तेमाल करें। अब बस पानी में अच्छे से एक बार उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है। अब जो हमारे केले के पीसेस थे कटे हुए वो हम इसमें डाल देंगे। और ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो हमें और भी कोई चीज़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और पके हुए हैं तो ज़्यादा कुक भी नहीं करना है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी है और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर हम कुक कर लेंगे ताकि केले के पीसेस में सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। बस 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है, ज़्यादा कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने थोड़े से काजू के पीसेस और 2-4 किशमिश के भी पीसेस इसमें डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी कितनी डिलीशियस बनी है। फ्रेंड्स, आप अगर ये फलाहार में खाना भी चाहेंगे ना, और घर में अगर कोई भी बच्चे भी या बड़े भी देखेंगे तो वो भी इसे जरूर पसंद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसे हम साबूदाने का, जो हम खिचड़ी भी बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, सभी के साथ इसे
हम खा सकते हैं, क्योंकि इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा सारे टेस्ट हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।